क्या अच्छे लोग हैं ये, मतलब हम पानी लेने आए थे एक्चुअली, लेकिन बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं। थैंक यू जॉर्डन, थैंक यू, वेलकम पाकिस्तान, अहलन वसहलन, मरहबा। तो भैया प्लान ये था कि हम लोग सबसे पहले जाएंगे बस स्टेशन, वहाँ से बस लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे जरेश और रिशनून कैसे, लेकिन थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया है। वो ये कि हमने अभी बस स्टेशन कॉल की थी और वहाँ से ये पता चला है कि बसेस चलती हैं खाली थर्सडेज और सैटरडेज को। अब हमने ये किया है कि उबर कॉल की है, 4-5 मिनट में उबर आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे रेंटल कार के ऑफिस जो कि तकरीबन आधे घंटे दूर है, वहाँ से हम रेंटल कार जो है वो हायर करेंगे और फिर हम अपना ये जो सफ़र है जरेश और अजनून कैसल तक का वो शुरू करेंगे और फिर बाकी ज़ाहिर है आगे पेट्रा है, वादी रम है, डेड सी है, ये सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले ये करना है कि नीचे भागना है क्योंकि उबर आने वाली किसी भी मिनट गई हमारी। सो आई थिंक तकरीबन 35 मिनट्स अवे है ऑफिस रेंटल कार का। अब तक हमारा सफर जहाज और बस में हुआ था, टैक्सीज पता नहीं किस किस चीज में हुआ था, लेकिन अब हम गाड़ी अपनी खुद चलाएंगे जॉर्डन में। सो लेट्स गो गेट आवर कार। यस भैया, हमें ये गाड़ी मिली है मित्सुबिशी एट्रिज जो कि हमारी जॉर्डन की रोड ट्रिप की साथी है और हमारा अभी सफर शुरू होगा अम्मान से। हम लोग पहले जाएंगे जरेश और फिर वहाँ पे अजनून कैसल है वो विजिट करेंगे, वो सब इसी गाड़ी में करेंगे। तो ये हमारी जो है धन्नो बन गई है 5 दिन के लिए। आधे घंटे की ड्राइव हमने कर ली है, तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे। जरेश इज अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम अम्मान जो कि बहुत अच्छा है, पर मेरी कॉफ़ी रह गई थी तो यहाँ पे ग्रेविटी कॉफ़ी हाउस है। आई एम गोना गो इनसाइड, चार्ज होती हूँ एंड देन वी आर गोना बी देयर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। कैन आई प्लीज ग्रैब 1 लार्ज कैरमल मकियाटो? हम लोग मौजूद हैं जॉर्डन के एक ऐसे शहर में जो नहायत कदीम है और इस शहर में जो है वो एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन जो है वो मुकीम थी आज से हजारों साल पहले, और यहाँ पे बहुत पुराने हजारों साल पहले के एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन के रुइंस जो हैं वो नजर आते हैं। और ये जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे रोमन्स किस तरह से रहा करते थे, किस तरह से उनका गुजर बसर होता था और इस जगह को उस जमाने में उस दौर में क्या कहा जाता था और कौन सी हुकूमत यहाँ पे रूल करती थी। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं कि जरेश का शुमार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे वेल प्रिजर्व्ड रोमन आर्किटेक्चर की साइट्स में होता है इटली के बाद। यहाँ पे ये एमपी थिएटर शानदार सा देख के जो है वो अंदाजा हो चुका है कि भाई रोमन्स जो है ना वो फुल ठाट वाली जिंदगी यहाँ पे बसर करते थे, गुजारते थे। और क्या एमपी थिएटर है, हल्के से मैं बात कर रहा हूँ और मेरी आवाज यहाँ पे चारों तरफ ऐसे फैल रही है जैसे मैं माइक लगा के बात कर रहा हूँ। शानदार है भाई ये एमपी थिएटर। इस आर्कियोलॉजिकल साइट में साउथ थिएटर भी है, नॉर्थ थिएटर भी है। इस जगह के अकूस्टिक्स नेक्स्ट लेवल है एंड दिस इज लाइक द मेन गेट। अच्छा, कुछ दिन पहले आई थिंक येस्टरडे और द डे बिफोर यहाँ पे एक फेस्टिवल भी हुआ है, तो अभी तक लोग इस जगह को यूज़ कर रहे हैं फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मेंसेज। और ये पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है, सो सारे जो पुराने ज़माने के लोग थे वो इन पिलर्स पर बैठते थे फुल टॉप तक और यहाँ मिडिल में परफॉर्मेंस होती थी। Thank you Jordan, thank you, welcome Pakistan, ahlan wa sahlan, marhaba। तो हमारे पीछे है ग्रीक गॉड ज़ूस का टेंपल और ये परफेक्ट टॉप है टू सी द एंटायर सिटी। एंड इफ यू कम हियर यू फील लाइक यू हैव गॉन बैक 2000 इयर्स बिकॉज़ ये इतनी अच्छी तरह उन्होंने लेआउट किया हुआ है इसका। जैसे सामने नजर आ रहा है ओवल, वी हैव गॉट द साउथ थिएटर, वी हैव गॉट द नॉर्थ थिएटर। सबसे मजे की बात यह है कि इस साइड से आपको सिटी भी नजर आ रही है, सो इट फील्स लाइक इट्स राइट नेक्स्ट टू यू, बट हालांकि वो डिस्टेंस में है। तो यहाँ
यहाँ पे जो आपको राइट और लेफ्ट पे हमारे बड़े बड़े ये लंबे से कॉलम्स नजर आ रहे हैं भाई, ये है जीता जागता सबूत एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन का। तो अभी जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, इस जगह को कोलोनाडेड स्ट्रीट कहते हैं और उस दौर में कार्डो स्ट्रीट भी कहा जाता था। तो ये पूरी स्ट्रीट जो है ये तकरीबन 800 मीटर्स के ऊपर जो है फैली हुई है और ये नॉर्थ साइड को जो है वो साउथ साइड से कनेक्ट भी करती है और एक तरह से ये यहाँ की रीढ़ की हड्डी, बैक बोन और फोकल पॉइंट भी है। और हमारे इस वक्त नीचे पुराने जमाने का एक सुइज या सुइज लाइन है एंड बैक इन द डेज दैट इज हाउ दिस सिटी वाज रनिंग। हमारे बिल्कुल नीचे इनकी मेन सुइज पाइप चल रही है व्हिच इज ऑब्वियसली नाउ ड्राइड आउट। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा सा मैसिव अरीना। तो यहाँ भाई रोमन एम्पायर के दौर में शेरियट रेस होती थी, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते थे, हॉर्स रेसिंग होती थी। उस दौर में जो जो खेल खेले जाते थे वो सारे जो है यहाँ पे होते थे और यहाँ पे जो स्टैंड्स बनाए हुए, जो क्लोजर बनाए हुए, यहाँ पे तमाशाई बैठ के मेरे ख्याल से अपनी मनपसंद टीम को सपोर्ट करते थे, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को दाद देते थे। और क्या खूबसूरत जगह है और क्या खूबसूरत हिस्ट्री है भाई इस पूरी जगह की। तो चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है, कोशिश ये करेंगे जल्दी से कैसल पहुंच जाएं और वहां पे फिर सूरज को गुरूब होते हुए देखें। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुंचते हैं अजलून कैसल। ये देखो इतना बड़ा गुच्छा मिंट का है। Which tea is this? This tea with mint. Tea traditional like Jordanian tea? Bedouin. Bedouin tea. Yeah. Bedouin tea. Okay. Can I also have one with no sugar? Okay. Shukran. तो ये जॉर्डेनियन बेडवन की है और हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं इनटू अजलून कैसल और यहाँ सबसे टॉप व्यू पे चाय और सनसेट का अलग ही मजा है और ऊपर से यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, लाइक इट्स बीन अ हॉट डे और ठंडी ठंडी हवा अब ब्लास्ट राइट नाउ। शुक्रिया। पाकिस्तान। यस थैंक यू। स्मॉल वन Small one dinner. Sumer. Oh, Sumer. Sharp. Hey, dinner, sir. It's tiny. بازار ماي بارد ذراعي على البخار ذراعي بالزبدة ماي بارد بازار ذراعي على البخار ذراعي بالزبدة अच्छा यहाँ पे ये फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे अंगूर हैं, यहाँ पे ये प्लम्स हैं, यहाँ पे ये अंजीर भी है, तो अंजीर के अलावा ये चेरीज भी मिल रही हैं और सारी यहीं की लोकली ग्रोन है और बहुत फ्रेश है, निहायत मीठी भी लग रही है। अंकल कह रहे हैं कि ऐसी ले जाओ, पहले चखो, अगर पसंद आए फिर लेके जाओ। तो प्लम्स ले लेते हैं। हाँ, प्लम ले लेते हैं और अंगूर ले लेते हैं। वन दिस वन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अभी यहाँ से तकरीबन एक डेढ़ घंटे की ड्राइव है अमान तक और भूख शदीद लग रही है, तो इंतजार खाएगी। आज मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा रोजा है। या ये फल मेरे लिए ले रहे हैं। बेहतरीन किस्म का सनसेट देखने के बाद हम लोग सीधा जो है अपने होटल गए, वहाँ पे जाके थोड़ा सा सुस्ताया, फ्रेश एंड अप हुए, चेंज वेंज किया। अब हम लोग वापस जो है निकल चुके हैं, आपको पता है एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते इमी और दानी। तो अब हम लोग सामने जो है बिल्कुल जो इनका मेन डाउनटाउन है अमान का, वहाँ जा रहे हैं और कुछ खाने वाने का कुछ वहाँ से देखेंगे। अच्छा, चहल पहल और रौनक जो है वो अभी भी उतनी है, रात के मेरे ख्याल से 10:30-11 हो रहे हैं और लोग मुझे सामने नजर आ गए हैं कि हल्ला गुल्ला वाला माहौल बना हुआ है, मतलब लोग निकले हुए हैं फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ। तो तकरीबन 4 मिनट दूर हमारे होटल से एक कैफ़े है कॉल सजाल और यहाँ पे वाइन लीव, फतूर सैलेड और वो लेंटिल सूप, ट्रेडिशनल जॉर्डेनियन खाना मिलता है। तो इस वक्त 11 बज रहे हैं, सरों वो नहीं थी टू हैवी, लेकिन लोकल्स ने रेकमेंड किया है कि यहाँ पे जाके ज़रूर आप इनका फतूर सैलेड ट्राई करें। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ऑन द हंट फॉर। यहाँ तो एले वाला सीन है, यहाँ लोग सोते ही नहीं है। अच्छा, रात के 11 बजे और इधर हेयर कट्स चल रहे हैं, मतलब फुल, इट्स लाइक अ फुल माहौल।
Pomegranate molasses और उसकी वजह से ये बहुत मज़ेदार होती है. ऑन टॉप ऑफ दैट दे यूज़ लाइक दीज क्रूटॉन टाइप ऑफ जैसे अगर ब्रेड को फ्राई करें ये वो है. सो आई एम गोना टेक माई फर्स्ट बाइट.
Suresh, ancient archaeological site. और फिर हमने sunset देखा and that was amazing at the castle. और अब ये dinner कर रहे हैं, so what an amazing day in Jordan. अब हम ये video end करेंगे, थोड़ा सा rest करेंगे because कल craziness होने वाली है. हम अमानपुर छोड़ के जा रहे हैं कल, so we have to get some rest in. And now make sure you subscribe to our channel.